ऑलराइट, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो आज दिन में करा था फर्स्ट वीक अक्टूबर का, अब इसका सेकेंड वीक करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, जरा सेशन सेट कर लूँ मैं, एक सेकेंड दीजिए मुझे। ओके, और मैच वैच नहीं देख रहा? कोई मैच वगैरह भी देख लो, कितना एसबीआई की तैयारी करोगे? बस एक सेकंड दो, चालू हो जाएगा, फिर अभी करते हैं बस। नींद से आने लगती है इस टाइम पे, ठंड अजीब हो गई है। चलो भैया, प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन। ये तो आ गया, ये तो आ गया। और अब हम लोग चलते हैं अरे दादा, इसी पे मिलते हैं दादा। ये रहा, ये रहा। ठीक है, ठीक है, दिख तो रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आवाज आ रही है? आवाज वगैरह आ रही है बता दो, बस चालू कर लेते हैं। अक्टूबर का सेकंड वीक है, सेकंड वीक कंप्लीट कराना है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधा पौन घंटा लगेगा। ठीक है, रिवाइज ही करना है। एक बार बता दो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं कैसे क्लियर करूंगा? कोई बता देगा तो ठीक है, वरना फिर 1 मिनट और लगेगा मुझे चेक करने में कि भाई कैसी आ रही है कि नहीं आ रही। मैं कैसे ऑन नहीं कर रखा है। इज वॉइस ओके और नॉट? डू टेल, प्लीज रहा टेल, इज द वॉइस ओके ओके? तो चलो, नहीं होते तुम लोग बता देते हैं। एनीवेज, अब जैसा है वैसा है, मेरे हिसाब से आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये दो लोग हैं और रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? मैं ठंड लग रही है ज्यादा, आदमी नहीं कर रहे रिप्लाई में से, बदतमीज लोग। चलो, 9 से 15 है। ठीक है, सबसे पहले नेशनल अफेयर्स की बात होगी। नेशनल अफेयर्स में पहली ही न्यूज क्या है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 9 मेंबर का टास्क फोर्स बनाया था। ठीक है, किस चीज के लिए? कि भाई जो चीता मंगाए थे हमने नामीबिया से, कूनो नेशनल पार्क में, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि भैया कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, ये असिस्ट करेगी इसके ऑपरेशन को। ठीक है, उसके बाद जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये कर्सर दिख रहा है ना आपको, इसी को फॉलो करते हुए चलना। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसमें जापान की एक इंस्टीट्यूट है एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस की, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। ठीक है, ठीक है, किस चीज के लिए? कि एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट एंड टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करना है इनको। फाइन फाइन। उसके बाद द डेडलाइन, अब ये जो इथेनॉल सब्सिडी होती है, इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है ना, 20% हो रही है, टारगेट 2025 तक है। ठीक है, तो इसको ही ठीक है, बोला जा तो रहा है कि भाई बोला इसको 100% तक लेके जाना है, तो उसके लिए लोगों को सब्सिडी देते हैं ये, जो लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम कर रहे हैं उनको सब्सिडी देते हैं। तो उस सब्सिडी को उन्होंने बोला है 31 मार्च तक और चालू करेंगे। ठीक है, और ये कौन इस प्रोग्राम को हेड कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और यूएस, इंडिया और यूएस ने लॉन्च करा है एक नया एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स, एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स। किसने करी है? इंडिया और यूएस ने। ठीक है, द टास्क फोर्स विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स गोल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर को 50% करनी है इंडिया को, उसके लिए हेल्प करेगा यूनाइटेड स्टेट्स से भी। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जम्मू टूरिज्म, एंड कश्मीर जम्मू टूरिज्म, एंड कश्मीर का जो जम्मू एंड टूरिज्म है कश्मीर का जो डिपार्टमेंट, टूरिज्म उसने डिपार्टमेंट, अपना फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे करा है? पहलगाम में करा है। पहलगाम पहलगाम में करा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कौन से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट, पहलगाम पहलगाम में, में। पहलगाम में। बीआईएस, ब्यूरो बीआईएस ऑफ इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स ने ने एमओयू एमओयू साइन साइन किया किया है है टीआईसी के साथ। टीआईसी मतलब टेस्टिंग टीआईसी एंड एंड इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल। काउंसिल। ओके,
इको आ रहा है अब श्रीलंका 1-1 पे 5। बस 1 सेकंड दो, अभी इको नहीं आ रहा होगा ना, अभी बताओ जरा इको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो नहीं, अब नहीं आ रहा और अब आएगा भी नहीं। ओके डोंट वरी, चलो शुरू करते हैं ठीक है। और अभी तक जो बताया है उसमें कुछ वो था नहीं, यहीं से शुरू कर देते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने MOU साइन किया है TIC के साथ। TIC मतलब टेस्टिंग इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। किस चीज के लिए? टू प्रमोट करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे, किस चीज का? स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने का, क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने का, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने का, जो प्रैक्टिसेस है उसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे उनको, हार्मोनाइज करेंगे उनको, अच्छे लेवल पे काम करें वो शांति से, शालीनता से, ठीक है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने क्या इनोग्रेट करा है? फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे? पहलगाम में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने कल्याणी M4 को अपनी फ्लीट में लॉन्च करा है, इंडक्ट करा है। ये कल्याणी M4 है क्या? ये ऑल टेरेन हाई मोबिलिटी कॉम्बैट ट्रूप कैरियर है, ठीक है। ऑल टेरेन मोबिलिटी कॉम्बैट टूरी कॉम्बैट के लिए ट्रूप कैरियर है। उसके बाद इंडिया का सबसे पहला जो पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन है DH एग्रीगेटर, उसको DGCA, जो DGCA अपनी अथॉरिटी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनका अप्रूवल मिल गया है। वो टाइप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए, तो वो प्रोवाइड कर दिया है। किसको दिया है? DH एग्रीगेटर को। उसके साथ ही MS धोनी ने लॉन्च करा है, जस्ट एक मिनट बस आराम कर दो, ठीक है। हाँ, MS धोनी ने लॉन्च करा है अपना ये ड्रोन, लॉन्च कर रहे हैं वो, ठीक है। तो सर्विलांस वाला ड्रोन है, ठीक है, कैमरा ड्रोन है, तो ये धोनी की कंपनी है, ड्रोन ही उसका है, ठीक है। ये हेल्प कौन कर रहा है? गरुड़ा एयरोस्पेस इसमें हेल्प कर रही है इनको बनाने के लिए। 1 सेकेंड, ओके अभी देख रहा हूँ, ओके। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करा है कि भैया एक नई ब्रांच खोलो इंडियन एयरफोर्स में, किसकी? वेपन सिस्टम की। तो इंडियन एयरफोर्स में वेपन सिस्टम की एक नई ब्रांच खुलेगी, ठीक है। और ये जो है, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस की कोई नई ऑपरेशनल ब्रांच स्टेब्लिश करी गई है, ठीक है। 4 स्पेशलाइज स्ट्रीम्स हैं इन जो इंक्लूड करी गई हैं इस ब्रांच में। कौन कौन सी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, सरफेस टू एयर मिसाइल की, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट एंड वेपनिंग सिस्टम की, और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट की, ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट की। कुछ नहीं है, पढ़ना है बस, ठीक है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है। उसके बाद कर्नाटका के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने क्या किया है? लॉन्च करा है टेलीमानस। टेलीमानस क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत लोग कॉल करके अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वो ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज की। कर्नाटका ने लॉन्च करा है, ठीक है। उसके बाद मोदी जी गए थे गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश गए थे, उन्होंने ये महाकाल लोक प्रोजेक्ट को लॉन्च करा फेज 1। उसके बाद गुजरात गए थे, वहां पे मोढेरा विलेज को उन्होंने बोला कि भाई ये तो मोढेरा विलेज को उन्होंने बोला कि ये 24/7 मतलब 24 घंटे 7ों दिन सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करने वाला इंडिया का पहला विलेज है। चलो ठीक है। उसके बाद नवीन पटनायक जो उड़ीसा के CM है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इंडिया का पहला फीफा इनिशिएटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च करा है। फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव किसने इनिशिएट किया है? फीफा ने। और किसने लॉन्च करा है? नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के CM है, ठीक है। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करा है टोयोटा का एक पायलट प्रोजेक्ट, जो कि किस पे है? फ्लेक्स फ्यूल पे है। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है कि मतलब दो फ्यूज को आपस में मिला देना। अब इसमें क्या हो गया? फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है ब्राजील की टोयोटा से, जो टोयोटा कंपनी ब्राजील में काम करती है ना, वहां से इम्पोर्ट करा गया था। कौन सी? टोयोटा की कोरोला ऑल्टिस, सबसे पहले, जो कि इथेनॉल पे काम कर सकती थी, इथेनॉल ब्लेंडेड पे 20 से 100% तक, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं कि ये जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसने रेलटेल के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, जो कि कवर करेगी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज को, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ एनएमडीसी, इनको सबको कवर करेगी। कौन? एनएमडीसी ने जो एमओयू साइन किया है रेलटेल के साथ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आरसीएफ एक कंपनी है अपनी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसने एमओयू साइन किया है। के प्लस एस एक कंपनी है मिडिल ईस्ट की, ठीक है, उसके साथ एमओयू साइन किया है। एंड एग्रीकल्चर जीएमबीएच जर्मनी की भी है, तो जर्मनी और के प्लस एस यू इसकी कहाँ की? मिडिल ईस्ट की। और इंडिया की जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया कि इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। उसके बाद 2015 की एक स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो स्कीम काफी अच्छा काम कर रही है, तो उसमें दो तीन चीजों को और इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। किन किन चीजों को? स्किलिंग को, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस को लेके, ठीक है, ये किसमें ऐड करा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। उसके बाद इंडियन रेलवे का जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो कि एक मणि रत्न कंपनी है, इंडियन रेलवे की फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ? ये आईआईएफसीएल के साथ। आईआईएफसीएल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ये क्या करेगी? स्ट्रेंथन करेगी किस चीज को? द कॉपरेशन इन फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनमें कॉपरेशन को हेल्प करेगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। कुछ वो हुए थे कैबिनेट अप्रूवल हुए थे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्या है वो ये है कि एक कंटेनर टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं। कहाँ पे? टूना टेकरा, दीनदयाल पोर्ट इन गुजरात, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट इन गुजरात पे एक टूना टेकरा कंटेनर टर्मिनल डेवलप किया जा रहा है। सही है। तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहला, इंडिया की पहली सेंचुरी किस चीज के लिए? एक स्लेंडर लॉरिस होती है, स्लेंडर लॉरिस फिश लाइक होती है, ठीक है, उसके वो एंडेंजर्ड हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक सेंचुरी लॉन्च करी है, ठीक है, तो वहां पे उनको कंजर्वेशन करा जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईओसीएल और गेल इंडिया के साथ, जिससे वो कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। कहाँ पे करने हैं उनको, ये भी आप देख लो, चार जगह करेंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, पांच जगह हो गए। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चार हो गए, पांचवा तमिलनाडु, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं टेक्सटाइल कमेटी, तो टेक्सटाइल्स की कमेटी है, और यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि वो सस्टेनेबली सर्कुलरली जो टेक्सटाइल की चेन है उसको वैल्यू एडिट कर सकें, मतलब बढ़ा सकें, अच्छा काम कर सकें, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकें, ठीक, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। कौन करेगा? ये टेक्सटाइल कमेटी यूएनईपी के साथ मिलके। फाइन, गवर्नमेंट ने जो अपनी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, उसका एक प्लांट है कहाँ पे? कर्नाटका में भद्रावती प्लांट, उसको प्राइवेटाइज कर रहे थे तो उसको मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि कोई बिड करने आ ही नहीं रहा, अच्छी बिड दे ही नहीं रहा उसकी। उसके बाद इसकी बात करो तो ये सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, उसने पार्टनरशिप करी है पावर सीएसआईआरटी के साथ टू कंडक्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, इसका नाम है पावर एक्स। तो सर्ट इन ने पार्टनरशिप करी है पावर सीएसआईआरटी के साथ, ठीक है, इतना ही पता होना है इसके लिए। देवूसिंह चौहान जी जो हैं, उन्होंने पोस्टेज स्टैंप लॉन्च करी है गोल्डन जुबली ऑफ पिन कोड के लिए, ठीक है, जब पिन कोड जब लॉन्च हुआ था उसके गोल्डन जुबली पे इन्होंने लॉन्च करी है पोस्टेज स्टैंप्स, ठीक है। उसके साथ उन्होंने ई पासबुक का एक फीचर भी लॉन्च करा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट अकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ने अकॉर्ड करा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, हाँ, जो भी डेटा सेंटर्स होते हैं ना, डेटा सेंटर्स उनमें अगर 5 मेगावाट की कैपेसिटी से ज्यादा इंस्टॉलेशन है, ठीक है, तो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिलने से क्या होता है, उनकी रख रखाव में थोड़ी हेल्प करती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन है मिनिस्टर? पीयूष गोयल जी। उन्होंने लीड सर्वे, चौथा लीड सर्वे की रिपोर्ट निकाली है, जिसमें 15 स्टेट्स को उन्होंने अचीवर्स की कैटेगरी में डाला है, 15 स्टेट्स को अचीवर्स की कैटेगरी में डाला है, ठीक है। अचीवर्स में ये रहे सारे, ठीक है, लैंडलॉक्ड में, कोस्टल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, यूटीज में, तो ये लिस्ट में है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोदी जी कहाँ गए थे? ऊना और चंबा गए थे, ऊना
और चंबा हिमाचल प्रदेश में जगह है दो। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने ऊना में पहले तो एक बल्क ड्रग पार्क वहां पे उन्होंने इनोग्रेट करा, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन डाला, इनोग्रेट नहीं किया, फाउंडेशन स्टोन डाला इसका, बल्क ड्रग पार्क का, कहाँ पे, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये इंडिया का सेकंड बल्क ड्रग पार्क पार्क होएगा। पहला वाला कहाँ पे, पहला वाला कहाँ पे किया गया था, गुजरात के भरूच में, गुजरात के भरूच में किया गया था पहला वाला, ठीक है। उसके बाद ही डेडिकेटेड दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना, कोई मतलब नहीं है इसका। दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च करें उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा मतलब इसी से है कि बल्क ड्रग पार्क ऊना में लॉन्च करा है, पहला वाला भरूच गुजरात में था, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, परम कामरूप ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है समीर सोसाइटी, समीर एक सोसाइटी है, किसके लिए, अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी, कहाँ पे, आईआईटी गुवाहाटी में, ठीक है। जो ईस्टर्न नेवल कमांड है हमारी, उसने ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी है, कौन सी, प्रस्थान, प्रस्थान सिक्योरिटी एक्सरसाइज है वो करी है उन्होंने। देखो एक रिवीजन सेशन है ये, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि बहुत धीमे धीमे चलेंगे या फिर आपको लग रहा है वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो ये रिवीजन सेशन है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च करा है एडुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च करा है एडुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022। उनका बस ये है कि जो लोग पढ़ाई कर लेते हैं बट नौकरी मिलने में जो दिक्कत होती है, तो स्किल का जो गैप है ना उसको खत्म करने की बात हो रही है, तो उसके लिए हेल्प करेंगे वो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है नया कार्बन एमिशन गोल टू अचीव नेट जीरो फ्रॉम प्लेन्स बाय 2050, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है कि जो प्लेन्स से, जो प्लेन्स होते हैं ना उनसे जो कार्बन एमिशन होता है उसको नेट जीरो करना है, कब तक, 2050 तक, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए थे, घूमने गए थे, काम वाम के लिए गए थे, थोड़ा करके आए होंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करो, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये उनकी थीम थी वहां पे जाने की, ठीक है। उस जो करा था उन्होंने, कंडक्ट करी थी। यूनेस्को ने लॉन्च करी है 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ऑफ टेक्सटाइल्स की लिस्ट, ठीक है, वो ये रही। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट करी है जिसमें बता रहे हैं कि वो वुड बेस्ड जो सब्सिट्यूट है ना, एस्टिमेट द इंक्रीज इन वुड बेस्ड सब्सिट्यूट टू नॉन रिन्यूएबल एक्सपेक्ट्स 1 मिलियन न्यू जॉब्स, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन रिकॉग्नाइजेस इंडिपेंडेंस ऑफ टू मोर, वो तो अभी पता ही है आपको, खेरसैन और जपारजया, खेरसैन और जपारजया। इंडिया ने, इंडिया फैसिलिटेट्स टू सिप्ला डॉक्टर रेडी लैब्स मोंडलेज, ये इन्होंने किसको ज्वाइन करा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। तो उसको ज्वाइन किसने करा है, सिप्ला ने, डॉक्टर रेडी लैब ने और मोंडलेज ने। उसके बाद सीआरआई, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, इंडिया क्लाइम 6 प्लेसेस फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रैंक्स 123 ग्लोबली, रैंक्स 123 ग्लोबली, ठीक है। जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हमारी रैंक 123 है, आपको याद होगा इतने ही महीने लगते हैं किसान विकास पत्र को मैच्योर होने में, 123, ठीक है। इंडिया क्लाइम 6 प्लेसेस फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, रैंक्स 123। आगे बात कर लेते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, उसमें आईआईएससी बेंगलोर को जो है इंडिया में एक नंबर पे और दुनिया में 70, आईआईएससी बेंगलोर को इंडिया में एक नंबर पर रखा गया है, ठीक है। और 75 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस रैंकिंग में आ रही हैं, ठीक है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मतलब दुनिया में टॉप करी है, नंबर 1 पर रही है, ठीक है। उसके बाद बात करो अगर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ, हाँ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 70% तक डिक्रीज कर गई है पिछले 50 सालों में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 70% तक डिक्रीज कर गई है पिछले 50 सालों में। इंडिया जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन बियर कर रहा है, ये किसने बोला है, नीति आयोग ने बोला है,
मतलब नहीं है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, आर्या.एजी और FWWB मतलब फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इन इंडिया, इनके साथ पार्टनरशिप करी है UNDP ने किस चीज के लिए, ये स्ट्रेंथन करेंगे वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में। ठीक है, अच्छी बात है। आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट करा है 7th एडिशन ऑफ इब्समार मैरिटाइम एक्सरसाइज जो कि साउथ अफ्रीका में हो रही है। आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट करा है किसमें, 7th एडिशन ऑफ इब्समार, ये किस किस का है ये भी तो देख लो। एक मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका नेवीज, ठीक है, उसमें किसने पार्टिसिपेट करा, आईएनएस तरकश ने। उसके बाद बात करो इसराइल और लेबनान, इसराइल ने और लेबनान ने एक एग्रीमेंट साइन करा है फॉर मैरिटाइम बॉर्डर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी का नॉड मिल गया है, मतलब हामी मिल गई है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेपरेट सेगमेंट में लॉन्च कर सकता है, किसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर सकता है, ठीक है। आईडीबीआई बैंक पार्टनर्स कौन है, वायना नेटवर्क ऑन सप्लाई चेन फाइनेंस, सप्लाई चेन फाइनेंस पे आईडीबीआई बैंक ने पार्टनरशिप करी है वायना के साथ, ठीक है, वायना नेटवर्क के साथ। उसके बाद आरबीआई ने सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक पुणे का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे पेनल्टी लगाई थी। उसके बाद एनपीसीएल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है एनपीसीआई पार्टनर प्रोग्राम। इससे क्या होगा, ये कोलैबोरेट करेगा बहुत सारे फिनटेक प्लेयर्स को एक साथ में, ठीक है। एसबीआई ने अनवील किया है नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस फॉर एनहेंस्ड एंड मोर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, इसने लॉन्च करी है, एसबीआई ने लॉन्च करी है। उसके बाद आरबीएल बैंक ने बुक माई शो के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च प्ले क्रेडिट कार्ड। प्ले क्रेडिट कार्ड किसका है, आरबीएल बैंक का है, आरबीएल बैंक का है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई रेज्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज 300 करोड़ तक के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है 300 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद द्वार ए डेरी ने पार्टनरशिप करी है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ फॉर कैटल लोन एंड डेयरी फार्मर्स, इसमें क्या है, द्वार सुग्गी लोन लॉन्च करेंगे ये। द्वारे डेयरी ने पार्टनरशिप करी है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कैटल लोन और डेयरी फार्म कैटल लोन को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो लोन का नाम क्या है, द्वार सुग्गी लोन, ठीक है। लोन अमाउंट कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, 30,000 से 1.5 लाख तक का, ठीक है। एनआईपीएल ने पार्ट यू एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड लाइन के साथ ताकि यूपीआई पेमेंट को यूरोप में भी करा सके, ठीक है, यूपीआई पेमेंट यूरोप में भी हो सके। इस चीज के लिए एनपीसीआई के इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ल्ड लाइन के साथ पार्टनरशिप करी है। आरबीआई ने आरबीआई इश्यूज कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस फॉर अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, कोई मतलब नहीं है। सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट करी है कॉमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी काउंसिल कमेटी, सीडेक की कमेटी बनाई है किसने, सेबी ने, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, पहले 17 थे, अभी 16 लोग हैं, जिसको हेड कौन कर रहा है, अशोक दलवानी जी, और एक 20 मेंबर की एपेक कमेटी बनाई है जिसको NR नारायण मूर्ति जी हेड कर रहे हैं, ठीक है। पेटीएम ने कोलैबोरेट किया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है, टू रोल आउट कार्ड सर्विसेज, खास मतलब की नहीं है, पर पेटीएम ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कार्ड मशीन्स को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का अनकंडीशनल लोन दे रहे हैं किसको, आंध्र प्रदेश के सॉल्ट प्रोजेक्ट को। सॉल्ट प्रोजेक्ट मतलब ये उनकी पढ़ाई के रिलेटेड है, सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन को, कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक, कितना दे रहा है, 250 मिलियन। SBI is the first bank to achieve this milestone. Home loan crosses 6 trillion. RBI ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करे हैं 8 NBFC के, कोई मतलब नहीं है। फिर इकोनॉमी और बिजनेस की बात करो, नासकॉम ने पार्टनरशिप करी है अमेरिकन एक्सप्रेस AMEX कार्ड के साथ ताकि वुमेन को एम्पावर कर सकें और डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कर सकें उन्हें, किसने, नासकॉम ने AMEX के साथ पार्टनरशिप करी है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। ये जो ग्रोथ फोरकास्ट है ये तो आप बाद में ही करना, ठीक है।
एक साथ ही गूगल ने लॉन्च करा था प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड प्रोग्राम, ठीक है, दुनिया का पहला लैपटॉप बिल्ट फॉर क्लाउड गेमिंग, फर्स्ट लैपटॉप बिल्ट फॉर क्लाउड गेमिंग। उसके बाद टीसीएस ने इनहेंस कराया क्वाड सॉल्यूशन टू इनेबल बैंक्स टू सपोर्ट सीबीडीसी इश्यूएंस। टीसीएस ने अनाउंस करा है कि भाई जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको सपोर्ट करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, क्वाड सॉल्यूशन। किसने? टीसीएस ने। जेएसडब्ल्यू का जो स्टील है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील, उसने यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। ये पांचवी इंडियन कंपनी है जिसने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। गूगल क्लाउड, जो गूगल क्लाउड है आपको पता होगा, सबको ही पता है, ठीक है। इसको क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसने उसको नॉड दिया है, मतलब हामी भरी है कि वो पार्टनरशिप करता है, पार्टनरशिप कर सकता है विद पब्लिक सेक्टर फर्म्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर फर्म्स से पार्टनरशिप कर लेगा तो लोकल एरियाज में आके अपना काम कर सकता है, तो फाइनेंस मिल सकता है, यहाँ का ही फाइनेंस लेके यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर सकता है। तो गूगल क्लाउड को ये अलाउंस अलाउ मिल गया है, ठीक है, नोड मिल गया है। अवार्ड्स तो मैंने आपको बताया ही, लास्ट टाइम पे वो जो टेबल फॉर्म में मिल जाएगा उसमें ही करेंगे। ऋषि परिहार जी। ओके, इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्च, ये वही है अवार्ड्स का ही है, ठीक है। इंडिया एक्सपो सेंटर, जो इंडिया एक्सपो सेंटर है ना, ठीक है, इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर। कोई खास मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोबेल प्राइजेस, ठीक है, ये याद कर लेना ध्यान से। ये टेबल बताने से कोई मतलब नहीं है, रट्टा मारनी है, ठीक है। उसके बाद शस्त्र रामानुजन प्राइज, ये किसको मिला है? ये यूनकिंग तांग है, यूनकिंग तांग, इनको मिला है। ये चाइना के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ठीक है। इनको किस चीज के लिए मिला है? फॉर डिस्प्लेइंग अ रिमार्केबल कॉम्बिनेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स इन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉड्यूलर कर्व्स एंड शिमरा वेराइटीज। बहुत अजीब अजीब चीज है, क्या करोगे इसका ये भाई साहब। ठीक है। मॉन्डलेज इंडिया, मॉन्डलेज इंडिया ऑनर्ड विथ एडवांस्ड 4 IR इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिजिटल लाइट हाउस। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिजिटल लाइट हाउस करके एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें कंपनीज ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। तो आपको मॉन्डलेज का ऊपर भी बताया था, उसके साथ डॉक्टर रेड्डी ने भी लॉन्च ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये सब आप याद रख सकते हो। अपॉइंटमेंट्स तभी करेंगे, ठीक है। उमारा डेट्स, जो खजूर होते हैं, उन्होंने उमारा डेट्स हैं, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पंकज मित्तल को चीफ जस्टिस बनाया है, कहाँ का, राजस्थान हाई कोर्ट का। अभी चेंज हुए हैं कुछ, तो रिसेंट वाले चेक करेंगे, ठीक है। ये तो अक्टूबर का है, ठीक है। उसके बाद इराकी पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है अब्दुल लतीफ राशिद को, इराक के न्यू प्रेसिडेंट अभी भी हैं, ठीक है। विनायक गोडसे को अपॉइंट किया गया है किसका? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का CEO, ठीक है। उसके बाद चैड के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, एल्बर्ट फहीमी, ठीक है, वो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। एस रवि कुमार ने इंफोसिस से रेजिग्नेशन दे दिया है। करूर व्यास बैंक ने केजी मोहन जी को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। कुछ एक्विजिशंस हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC की बात करें, वो अपना 60% के आसपास जो है मैनेजमेंट का कंट्रोल वो IDBI बैंक में सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसमें से 40% तो जो NBFCs हैं वो भी खरीद सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नीलगिरी टीम है, LIC ने अपना स्टेक कितना रिड्यूस किया है? 9.6 से 7.6 कर दिया है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि NMDC स्टील का NMDC लिमिटेड से डीमर्जर कर दो, उन्हें अलग अलग कंपनी बना दो, ठीक है। ये सही है, NSDL acquired 5.6%। देख सकते हो आप, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो आ रहा है ना, ई कॉमर्स, उसमें 5.5% को 10 करोड़ में खरीद लिया है किसने? NSDL ने। IRDAI ने ग्रांट किया है अप्रूवल टू मर्जर ऑफ एक्साइड लाइफ इंटू HDFC लाइफ। एक्साइड लाइफ को HDFC लाइफ में मर्ज कर दिया जाएगा, एक्साइड लाइफ थोड़ी घाटे में चल रही थी इसलिए। साइंस एंड टेक की बात करो, चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसने मैप करा है अबंडेंस ऑफ सोडियम, मतलब चांद पे सोडियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई गई है, ऐसा कह रहे हैं वो, ठीक है। NSIL जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, उसने MOU साइन किया है और लॉन्च करे हैं
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, दो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करें किसके साथ, एमएस वन वेब के साथ, ठीक है। ओके, स्वीडिश डिफेंस मेकर साब टू प्रोड्यूस कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं। रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कराया एक नेविगेशन सैटेलाइट, इनकी क्या नाम है इसका, ग्लोनास के, ग्लोनास के किसकी है, रशिया की है, क्वेश्चन आया भी था ये, ग्लोनास के किसकी है, रशिया की है। पंकज अडवाणी भाई वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत गए, ठीक है, जो कुआलालंपुर में हो रही थी। सॉरी, उसके बाद बारबरा क्रैशनिकोवा, अरे यार गला खराब हो जाता है, गर्म पानी लेके बैठना चाहिए था, कोई बात नहीं, थोड़ी बची है। बारबरा क्रैशनिकोवा को 2022 का ओस्ट्रावा ओपन टाइटल मिला है, किसको हरा के, इगा स्वेटेक को हरा के। नोवाक जोकोविच ने 90th टाइटल जीता है अस्थाना ओपन का, ठीक है, ये तो पुराना है। मैक्स वर्स्टापेन ने जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता था, ठीक है। उसके बाद मैग्नस कार्लसन चेस में, ठीक है, जनरेशन कप जीत लिया उन्होंने। यूनिसेफ और आईसीसी ने पार्टनरशिप करी है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। लीवर कप, लीवर कप 2022 का हुआ है, टीम वर्ल्ड जीती है इसको, ठीक है, टीम वर्ल्ड जीती है इसको, ये टेनिस का ही है, ठीक है, लीवर कप। ऑबिचुरीज कुछ हैं ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक्स एंड ऑथर्स, पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड उड़ीसाज लेसन, उड़ीसाज लेसन इन गवर्नेंस, अमर पटनायक जी की किताब है, कोई मतलब नहीं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर इसकी थीम थी। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को होता है, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, पोस्ट फॉर प्लैनेट। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को होता है। निमहांस पोर्टल किसका था, कर्नाटका गवर्नमेंट का, थावरचंद गहलोत जी का, ठीक है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पर एक सेशन पर क्या विचार है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस यार मेरी बहुत अच्छी नहीं है कोई, तो उस पे सेशन मुश्किल ही कर पाऊँ मैं। अब आप कह रहे हो तो प्लान करके देखेंगे कुछ। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को होता है। आर टाइम इज नाउ, आर राइट्स आर फ्यूचर, थीम थी उसकी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर, ठीक है, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। स्टेट न्यूज है कुछ, राजस्थान ने अनवील किया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप, ठीक है, ये ई गवर्नमेंट पोर्टल्स को रिवैम्प करने के लिए है। उसके बाद अगर बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी एक ऐप, किस चीज के लिए, जो प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए, दिल्ली ई मॉनिटरिंग। हरियाणा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है दुबई गवर्नमेंट के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, तो हरियाणा दुबई के साथ पार्टनरशिप करेगा किसके लिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। तमिलनाडु के CM है स्टालिन साहब, उन्होंने लिक्विफाइड कंप्रेस नेचुरल गैस स्टेशन लॉन्च करा है रानीपेट में, ठीक है, तमिलनाडु में लॉन्च करेंगे। उसके बाद इथोपिया की डेलीगेशन आई थी, कहाँ पे आई थी, ये आई थी आपके आंध्र प्रदेश में, किस चीज को चेक करने के लिए, रायतू भरोसा केंद्र को चेक करने के लिए कि भाई ये कैसे काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करा है न्यू स्कीम हिमकैड, फार्मर्स को हेल्प करने के लिए है, ठीक है, हिमकैड। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट, हो कुछ नहीं। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है रेल विद्युत, अच्छा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ 1190 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे राजस्थान में, अच्छी बात है। चलो ये होता है सेकेंड वीक कंप्लीट अपना, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर और रिवाइज करते रहो। और अगर आपको नवंबर दिसंबर के सेशंस चाहिए हैं तो डू टेल मी, तो उनको मैं कर दूंगा, ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स होएगा करने का, मन होएगा करने का, तो मैं कर दूंगा, ठीक है, डू टेल मी अबाउट इट। चलो फिर सेशन खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गए हैं डिनर, अरे विशाल कोई बात नहीं, देख लो वापस से चाहे रिवाइज कर लेना, आप तो वैसे ही रिवाइज कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करते रहो।
हाँ यार सेशन खत्म भी हो गया, 10 बजे बुलाया तो 10:30 हो गए, लेट हो रहे हो तुम लोग खुद, मैं अकेले अकेले सेशन खत्म करके बैठा हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, ठीक है, मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं ठीक है, कल एक साथ करेंगे थर्ड और फोर्थ वीक, तो कल लंबा बैठेंगे 1.5 घंटे के आसपास, 1.5-2 घंटे के आसपास। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही देना तुम लोग, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक लाइक करो, चलो जो भी मर्जी है करो, बाय।